जबकि 4.5 साल पहला असी बैठे रहे, 4.5 साल बैठे रहे, सरकार ने साडे नाल कदे भी गलबात नहीं सी कीती। असी नहीं सी चाहते कदे भी कि असी कोई इहोजा काम करिए, पर जदों साडा टाइम 4.5 साल 4.5 साल हो गया, उस तो बाद साडा सबर दा पहला भर गया सी। अज जे मेरी 33,000-34,000 तनखा है और अगले दिन ही मेरी बिल्कुल बंद हो जाती है, और बच्चे पूछते हैं भी डैडी तू रिटायर होया तो की लैके आया, बच्चों नूं आस हुंदी है क्योंकि जिन्ने महकमे आ सारे रिटायर होके जाते हैं तो उन्हां दी पेंशन लगती है। उच्च शर्तां रखियां, एक रखी है भी 25 साल की घट्ट तो घट सर्विस होनी चाहिए है पेंशन दे लई, वो 94 तो पहला जिहड़ा भी भर्ती उन्होंने चुक लिया उन्होंने। तुसी तस्वीरां देख रहे हो, ये बड़ियां पुरानियां तस्वीरां ने, 5 साल पुरानियां तस्वीरां ने, ये पंजाब होमगार्ड दे जवान ने जिन्होंने पंजाब पुलिस दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के अतवाद के समय के दौरान काम किया, परिवारां दीआं शहीदियां पाईआं, आप भी जवान शहीद होए, पर इन्हां नूं सरकारां वल्लों बिना पेंशन दित्तिआं घर नूं तोड़ दिता गया, दिहाड़ीदार वजों अज भी पंजाब दे जिहड़े होमगार्ड दे मुलाजम ने काम कर रहे ने, थोड़ियां थोड़ियां सैलरियां ने, ड्यूटियां 24-24 घंटे इन्हां दीआं ड्यूटियां ने। पंजाब होमगार्ड दे जवानां ने इत्थे धरना लाया सी, ट्रैफिक जाम कीती सी, उग्र रूप दिखाया सी, क्योंकि जदों तक बच्चा नहीं रोंदा उदों तक माँ भी दुध नहीं पिलाउंदी, इह हकीकत है इक कुदरत दी। धरना लाउण तों बाद इन्हां दीआं मीटिंगां दा समां मिलिया, CM साहब नाल मीटिंग होई, अज फिर इन्हां नूं इंतजार सी, इह बैठे ने इकट्ठे होए वे, बड़े चौं विच आए सन कि अज सरकार दे नाल मीटिंग सी, कमेटी दे मैंबर खड़े ने गए सन, इन्हां दी मीटिंग दा अज 24 तरीक दित्ती होई सी कि तुहाडा जो नोटिफिकेशन वगैरह है जां तुहाडा जो कुछ है असीं सरकार असीं तुहाडे हक विच जो भी कुछ है देवांगे। मीटिंग करके मेरे नाल खड़े ने इधर पंजाब होमगार्ड दे जवान ने, इधर वो कमेटी दे मैंबर खड़े ने जो CM साहब दे नाल जां उहनां अधिकारियां दे नाल मीटिंग करके आए ने, गलबात करदे हां। सति श्री अकाल जी। सति श्री अकाल जी। मीटिंग होई अज, मैं पहले दसा, मैं भुपिंदर सिंह अमृतसर तो, और जिहड़ी 11 मैंबरी कमेटी है उहदा इत्थों दी टोल प्लाजा दी उहदा प्रमुख मैंबर आ, और अज सानू सरकार ने बुलाया सी जिहदे विच सानू आस सी वी अज सानू सरकार आइडिया दे देगी भी तुहानू किन्नी पेंशन लानी आ, तुहाडी जिहड़ी तनखा आ किन्नी वधाउणी आ, जिहड़े जिहड़े ऑन ड्यूटी आ, उस दे विच इह आ वी सरकार नू शायद कोई फाइनेंस मिनिस्टर साहब नू कोई जरूरी काम पै गया, वो कितने जाना पै गया, साडे DGP साहब भी उत्थे आए सीगे और साडे कमांडर जनरल साहब भी आए सीगे, उस तो बाद सानू नहीं सी क्लीयर होया, फिर DGP साहब को गए आ, उन्होंने सानू क्लीयर यह किया आ वी जिहड़ी पेंशन है वो तुहाडी ऑलरेडी पक्की है, और जिहड़ी पे कमीशन की रिपोर्ट कह रहे सी आपां उहदे विच थोड़ा जिहा हफ्ता 10 दिन का टाइम सरकार ने लेना है, और सानू आस है असीं इस टाइम रिटायर बैठे सीगे, असीं सब तो पहला साडी मंग सी पेंशन, उहदे वल सरकार टेबल ते आ के साडे नाल गलबात कीती है, जबकि 4.5 साल पहला असीं बैठे रहे, 4.5 साल बैठे रहे, सरकार ने साडे नाल कदे भी गलबात नहीं सी कीती, पर सानू एक पहला असीं अमन कानून की ड्यूटी करते रहे हैं, उहदे तहत असीं नहीं सी चाहुंदे कदे भी ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ 4.5 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਔਰ DC ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਰਨ ਹੈ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੀ 33,000-34,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ
सारे रिटायर हो के जाते हैं तो उन्होंने पेंशन लगती है। सरदार जी तुम गल की है एक पेंशन की, तुम हम मीटिंग आयो, ये होमगार्ड के जवान अज खुशी की उड़ीक कर रहे सन कि सूँ कोई खुशखबरी मिलेगी, असं अपने घर जावे। कुछ बजुर्गों ने मेरे गल की है कि असी भंगड़े पावे ज खुशी जाहिर करा अपने तरीके दे नाल। तुसी जिहड़े कानून दे रखवाले ने, जज साहब ने जां होर ने, एस डी एम साहब ने जां डी सी साहब की गल की है, तुसी उन्हां दी सुरक्षा करदे हो, उन्हां दे नाल रहिंदे हो, फिर तुस तुहानू अज इंसाफ लई दर दर भटकना पै रहा है। ये हिंदुस्तान की जां साडे लोकतंत्र की एक त्रासदी नहीं है? हैगी है, असल दे विच की है वी सरकारां जिहड़ियां ना, सरकारां कहिंदियां कुछ करदियां कुछ दिसदा कुछ है, वह चीज़ लगातार चलती रही है। पर असी भी सरकारां कल्ली कल्ली नूं मिलदे रहे हां, कल्ले कल्ले मिनिस्टरां नूं मिलदे रहे हां, असी आस लैके जांदे सी वी साडी सुनवाई होएगी। इस करके जदों नहीं सुनवाई हुई फिर 17 तरीक नूं असीं एक शक्ति प्रदर्शन किया, उहदा एक सानूं एक हल भी मिलिया, टेबल ते गल भी हुई है। अज तीजी चौथी मीटिंग सी साडी, जानी तुहाडी पेंशन दी मंग उहनां ने तकरीबन मन लई है। इस मैं गल दसना चाहुंदा, कारण सी भी इन्होंने उच्च शर्तां रखियां, एक रखी है भी 25 साल की घट्ट तो घट सर्विस होनी चाहिए है पेंशन दे लई, पेंशन दी 94 तो पहला जिहड़ा भी भर्ती है उन्होंने चुक लिया उन्होंने। उस तो बाद एस पी ओ आए सीगे उहदे च, मैं भी आना, मैं 12 च आया इत्थे। एस पी ओ नूं इन्होंने विच नहीं सी रखिया, पर मेरी जिहड़ी है मेरे नाल जिहड़े जुड़े हुए आ उन्होंने कुछ मेरे नाल भी सवाल किए सी भी तुसीं उत्थे काम कर रहे जाके भी सरकार ने तुहाडे बारे लिखिया नहीं आ। पर मैं कहा सी मैनूं पता मैं पेंशन च नहीं आउंदा, पर काम करना कर्म करना जरूरी है। उस तो बाद गलबात हुई है, एस पी ओ जिन्हें आए थे साढ़े वह भी रख लिया, उस एक कमी रह गई है साढ़े एस एफ एफ सी एच जे बंदे आए थे वापस, उन्होंने 25 साल नहीं बनती, वो लेट आए थे, 9 च आए थे, उन्होंने विच नहीं रखा गया। पर उन्होंने बारे भी अं लड़ा, उन्होंने हक भी लड़ा, उन्होंने उन्होंने भी पेंशन लियावे असी, क्योंकि असी मेरी आदत है मैं सरपक्षी काम करूँगा कल्ला अपने लिए नहीं करूँगा। जबकि मैं खुद पता सी धरने आ गया सी भी मेरी पेंशन नहीं लगनी, पर मैं पता सी अमरजीत होनी आवाज़ मारे भी आओ आप आए हैं, और वो फल जिहड़ा इस इत्थों के जिहड़े धरने ने जिन्नी इत्थे मेहनत की आ जिहड़े आ जगतार वगैरह सारे अमरजीत जी भावें गुरदीप जी इन्होंने जिहड़े इत्थे टोल प्लाजे दी जिहड़ी कमेटी बैठी रही है जिला पंजाब कमेटी बैठी रही है जिहड़ी इन्होंने इत्थे कालना की आ उहदा फल असी लैण लगे हां। अज असी उन्हां दे धन्नवादी हाँ क्योंकि सरकार इस टिकाणे ते आ गई है भी तुहानूं पेंशन लैणी है, ते जेकर साडी बेसिक नूं पेंशन लगदी है ते हो सकदा तुहाडा गांव भी फायदा होवे। पेंशन दी मंग तुहाडी मन्नी जा चुकी है, तुसीं कह रहे तकरीबन इक तां तुहानूं खुशखबरी मिल गई है, जगतार जी किद्दां लग रिहा? हाँ जी, आपे विच तां पेंशन दी लोड़ हुंदी है, पूरा भरोसा जी। मैंने रोपड़ साहब ने भी बुलाया था भी सॉरी भाई पेंशन मन ली सरकार ने, हाँ समझ कल चंडीगढ़ थोड़ी खुशी मिली, हाँ थोड़ी जी खुशी मैं हुई है। लग्या जी तुहानूं सही लगा जी? हम 3-4 मीटिंगा हो गई सरकार ना भी, तो सानूं खुशी है भी हुण जिहड़ी है तरीक फिक्स की जाऊगी किन्नी लगनी है कदों तो लाउंदी सरकार उहदे बारे होर 2-4 दिन पूरे जदों तक तुहाडे कोल कोई लिखती ऑर्डर नहीं आउंदे जां तुहाडे कोल कोई अफसर नहीं आउंदा उदों तक धरना पक्का रहेगा जी? धरना उदों तक रखांगे असीं, असीं कच्ची उम्मीद लै के नहीं बैठे, असीं पक्की उम्मीद लै के बैठे हाँ, क्योंकि जे इन्नी लड़ाई असीं घाल ना की है तो असीं इन्ना भी डीकांगे, असीं सरकार आएगी। होमगार्ड के जवानों के तंबू दीआं तस्वीरां ने, इहनूं असीं धरना भी कह सकदे हाँ, साडे लई एक छोटा जिहा तंबू है इन्हां दे लई जिस दे विच इन्हां ने 5 साल कट्टे ने, मौतां भी होईआं ने, सप भी लड़े ने, मीह भी जरिया है, तंबू भी उड़ जांदा सी मीह दे विच, नेहरी दे विच बड़ा कुछ इन्हां ने तशद्दद अपने सीनियां ते अपने जिस्मां ते हंडाया है। मंग पूरी की जा चुकी है पेंशन की कि तुहाडी पेंशन पक्की है, उस तो बाद इन्हां ने फैसला किया कि धरना जदों तक सानू कोई लिखत ही नहीं दिंदा। सीएम साहब के दफ्तर तो आए हैं रोपड़ का, इन्हां वल्लों दस्सिया गया पुलिस प्रशासन जिहदे विच SSP साहब, SHO रोपड़, होर पुलिस अधिकारी सन इन्हां दे नाल गए सन, उन्होंने पूरा रोपड़ प्रशासन ने इन्हां नूं सहयोग दिता है। की नहीं हुंदा की हुंदा है, पर एक हासोहीन जी गल है, भारतीय लोकतंत्र ते एक चपेड़ है कि कानून की रक्षा करने वाले पुलिस मुलाजम, ये होमगार्ड के जवान, इन्हों भी अपने हकों के लिए
लड़ना पै रहा फिर आम आदमी पार्टी का आम जोड़े आम लोग ने उन्हों का पता नहीं की हाल हों होएगा। ये बहुत बुरी गल है। जल्दी तो जल्दी इन्हों दंगा लिखित के आनगियां उदों धरना चकन गए कहें उदों तक धरना जारी रहेगा। मैं प्राइम उदे तो हरविंदर रोपड़ तो कैमरा परसन शिबू जी देखते रहो प्राइम उदे रोपड़।